नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज विरार में माननीय महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी का दौरा हुआ। दरअसल विरार अंतर्गत नूतन गुलगुले फाउंडेशन नाम की एक संस्था, उन्होंने दिव्यांग लोगों के पुनर्वसन के लिए स्वानंद सेवा समिति नाम के एक इमारत का भूमि पूजन किया। उस भूमि पूजन में शामिल होने माननीय महामहिम राज्यपाल पधारे थे। इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय के साथ में पालघर जिला सांसद, वसई विधायक, पालघर जिलाधिकारी, उनके साथ कुछ और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम अंतर्गत भूमि पूजन किया गया, स्वानंद सेवा संस्थान उस इमारत का भूमि पूजन किया गया। साथ ही अरनाला के जो बांबू सेवक है उनका सम्मान भी राज्यपाल महोदय के हाथों किया गया। देखिए इस कार्यक्रम के पूरी झलकिया और सुनिए क्या कुछ कहा राज्यपाल महोदय ने, सांसद महोदय ने एवं विधायक महोदय ने। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। श्रीमान राव अंग्रेजी आदरणीय नूतन जी और विनायक जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों, सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और मित्रों, मुझे एक बार कल ऐसा लगा कि क्या मैं, क्योंकि बड़े लंबे प्रोग्राम है और 80 साल की उम्र में मुंबई से कार से चलो, सड़क से कहां गए थे, अभी दूर सा था, बहुत दूर है। एक आगे गाँव गए, हम आगे क्या से गाँव गए, फिर वहां से आने में कहा नहीं, हम अरनाला में आना है, तो फिर अभी और आगे काल में कहा जाना है, तो आना था हेलीकॉप्टर से। रात को हमारे अधिकारी ने कह दिया साहब हेलीकॉप्टर है ही नहीं। अब हमने कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं है तो मध्य हेलीकॉप्टर जो भी है जाना है, क्योंकि मैं तो आप जिस गाँव में रह रहे हैं हेलीकॉप्टर से आता तो सब थोड़ी देख पाता है, जरा भगवान भले भले करता है, आप बताते तो मैं कहता हूँ भगवान भले कर रहा है। कितना अच्छा हुआ कि देखो तुम रहा देखते ही आ रहा हूँ, बोला नूतन जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, पर भगवान ने मुझे पूरा दिखा करके और अच्छा काम कर दिया। आपके बीच में आ गए और अच्छा लगा, क्योंकि आज के युग में और मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, मनुष्य सेल्फिश होता जा रहा है और ये समय का प्रभाव है। ये तुलसीदास जी का युग के बारे में बहुत सारी चीजें कहेंगे, रामचरित मानस पढ़ोगे तो ना मुझे ज्ञानेश्वरी और क्या नाम समस्त रामदास तुकाराम जी नहीं मिला, जितना वो अपने उसमें कहेंगे कलयुग के क्या लक्षण होंगे, तो ऐसे उसमें भी कलयुग को ये बुराया, ये बुराया, ये बुराया, ऐसा उन्होंने बोला अंत में रामचरित मानस खत्म करते करते करते। लेकिन फिर मैंने कलयुग है भी बहुत अच्छा। अब आप देखिए कि विधायक जी के और नूतन जी के बच्चा दिव्यांग होगा, लेकिन कलयुग में कभी कभी किसी को भगवान ऐसी बुद्धि नहीं देता है, ऐसा हृदय दे देता है कि वो अपना ही परिवर्तन नहीं करता, समाज का भी परिवर्तन कर देता है। और हमारे नूतन जी ने, विनायक जी ने अपने पुष्कर को देख करके न केवल पुष्कर का उद्धार किया
बल्कि आस पास के हमारे अनेकों बच्चों का, दिव्यांग बच्चों का उद्धार कर दिया और आगे करते रहेंगे और आप आपको हमारा सबके समझ दिया तो भाई आगे करेंगे। आपने ऐसा पावन लक्ष्य दिया है, पावन काम कर रहे हो। मैं तो भगवान को मानता हूं, परंतु मैं कभी कभी भगवान से ज्यादा ये ऐसे यानी दिव्यांगों के लिए जो दिव्य काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, ऐसे को मैं बड़ा भगवान मानता हूं। क्योंकि सामान्य जीवन चलता रहता है, मनुष्य का जीवन स्वार्थ से भरा पड़ा है, लेकिन एक समाज के काम है। हम स्कूल भी खोलते हैं, अस्पताल भी खोलते हैं, लेकिन मैं बहुत जगह देखा है, मैंने कुछ पीड़ित लोगों के काम करते हुए लोगों ने देखा है, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे जो अद्भुत काम करते हैं और मैं उनको ईश्वर की श्रेणी में मानता हूं। और ऐसे श्रेष्ठ काम के लिए मैं तो आपके साथ हमेशा एक प्रकार से शुभकामना है, शुभेच्छा है। और आपने पकड़ने से देखे मन तो तीन लोग आपने ऐसे देखा रखे हैं कि ये अगर खड़े हो जाएंगे तो अरे ये मुझे खड़े हो जाओगे तो आप लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है। इस सबको करना पड़ता है। हमारे हिंदू में कहावत है, पांच सात की लकड़ी, एक एक करके सात आठ लकड़ी हो जाएंगे ना, अगले में लकड़ी होगी, लकड़ी को हटाते हुए क्या बोलते काठी, काठी बोलते हैं, काठी मारा भी बोलते हैं। तो काठी एक एक काठी हो गई तो बोझा नहीं होगा। अगर एक आदमी क्या, एक आदमी क्या सात काठी हो गई, एक आदमी का तेरह रोड बन गया, कैसे हुई? अगले में नूतन भी लगी रही, बुराई भी लगी रही, तो ये बोझ पूरा होने वाला नहीं। इतने अधिक विकलांग है, दिव्यांग है, इतनी बड़ी समस्या है। अब मैं नहीं कहता कि अरुण साहब जिससे बोले जो कम बोले थे वही कर दूंगा। अब पैसा कहां से क्यों मिलता है? तो अभी भी मेरी परीक्षा में रहेंगे, अभी हम डॉक्टर साहब के पास बोलता था अद्भुत हंसी में मुस्कान में है, क्यों बोलता है ऐसे? अभी मुस्कान है, एक बार बोला दो बात है दो बोलेंगे। अब आप बताओ जब ऐसा एक ठाकुर यहाँ रहता है तो ये जो जितने ठाकुर भगवान बैठे हैं कि सब लोग रहेंगे तो फिर बुलने उनका काम करेंगे तो बुलने रहेंगे क्या दिक्कत है? तो ये समाज का काम, ये अनेक लोग मिलकर चल करते हैं तो ये समाज के काम खड़े होते हैं। मैं गलती से राजनीति में हूं, मुझे राजनीति आती नहीं है। मैं ऐसे सामाजिक काम में मैंने अपना जीवन का जो प्यारी भाग व्यतीत किया है, ये बड़ी मजबूरी थी, हमको राजनीति में जाने को कहा गया। और शायद मेरा सौभाग्य होगा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आने का सौभाग्य है, ऐसा मैं भी राजनीति में आ गया, नहीं तो क्यों आता? ऐसा कुछ होगा भगवान की विधान होता है ना, मेरी क्या लगता है? मेरे मिलकर भाई तो ईश्वर की विधान होता है। और इसलिए ऐसे सब काम मुझे लगता था मेरा काम ईश्वर का, मेरे संगठन का काम ईश्वर का, निगरानी दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, कुछ कर रहा हूं, मैं करती हूं। क्योंकि मैंने एक पहले शायर था तो उसे एक शायर शायरी थी, उसकी पंक्ति थी, हम तो अकेले ही चले थे जानी को मंजिल, हम मंजिल पे गए अकेले चले थे, लोग आते बोले कारवां बनता गया, कारवां बनता जाता है, अच्छा खुद भी लोग खुश हो रहा है तो बनता जाता है। यानी समाज के अंदर बहुत समस्या है, मैंने चला हुआ है। अब मैं सरकार से नहीं करती, सरकार अगर अच्छा नहीं करे कम से कम बाधा तो नहीं डाले। बहुत बार क्या होता है कि कहीं पर कब्जे आप रोल घर में से होते हैं, आप विचार में ये अपने आदमी मजबूत होते हैं, आप लोग सोचते हैं कलेक्टर है, कमिश्नर है, बड़ा भारी है, उसके पास बंदा है, उसके पास कलम है, लेकिन मैं लोग उसे कहता हूं बैठ कर दे रहा हूं कब से कि देखो घर से उठ के रास्ता निकाले। कठिनाई है बोलना बड़ा सरल है,
जब तक तुम कठिनाई में से रास्ता निकालो तब तक तुम जाने हो एम पी हो अधिकारी हो मंत्री हो राज्यपाल हो उसमें क्या रास्ता निकालो। ये रास्ता निकालना एक कठिन काम होता है लेकिन फिर भी हमारे लोग सब सहयोग करते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं विरोध भी होता है पर आपका काम ऐसा है गौतम जी इसमें कोई विरोध नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि जो सेवा का भाव से आप कर रहे हैं और आप सबसे भी ज्यादा निवेदन है कोई जरूरी नहीं कि आप 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000 जैसे सांसद जी बोल रहे हैं ऐसे दे सकते हैं। अगर आपने नहीं आपके पास है आपने कहा मेरे के पास 500 रुपए मेरे पास से 1,000 है मेरे पास से 10,000 है ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये काम बहुत अच्छा होगा। योग्य संस्कार एवं नीति मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी और उनको स्वाभिमान से जीने के लिए मदद मिलेगी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस पवित्र और सामाजिक कार्य में आप सभी लोग हमारे साथ सदैव होंगे यही आशा करती हूँ और इसी आशा के साथ विराम लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। जे शक्य होईल जे जे मदत करण्यासारखं असेल परंतु या ठिकाणी आता जिल्हाधिकारी पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मला वाटतं कलेक्टर साहेब आपल्याला एक खासदार निधी या ठिकाणी आपल्याला देता येईल आणि निश्चितच मला वाटतं की खासदार निधी गव्हर्नर साहेब खासदार निधी आता आम्हाला 2 वर्ष मिळाला नव्हता परंतु या वर्षी आता मिळालेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी मी एक माझ्या परीने बरं का ताई खरोखरच तुमच्यासारख्या अशा महिला जेव्हा पुढे येतात किंवा एक कुटुंब किडच्या कुटुंब पुढे येतात तेव्हा आमची खरी म्हणजे ही आमची जबाबदारी आहे याच्या पॉलिटिकल म्हणून आमची जबाबदारी आहे पण तरी त्याच्या व्यतिरिक्त आपण अशा प्रकारे एक चांगलं एक सोशल आस्पेक्ट म्हणून सामाजिक दायित्व म्हणून जेव्हा काम करतात तेव्हा सुद्धा आम्ही मागे म्हणजे कमी पडणार नाही आणि म्हणून 15 लाख रुपये या ठिकाणी खासदार निधीतून या ठिकाणी आम्ही देण्याचा निश्चितच आपण प्रयत्न करू। खरं म्हणजे काय की मी गरीब खासदार आहे म्हणजे राज्यपाल जी मी गरीब खास सांसद हूं लेकिन मेरे देने की आदत है। परंतु ही जी मुलं बरीचशी मुलं म्हणजे रिकवर होऊन शिक्षण घेतात जिद्दीने मागे लागलं पाहिजे ते घेतातच चांगल्या प्रकारे आयुष्य क्रमण करतात परंतु ज्यांना हे शक्य नसते त्यांना कशा प्रकारे आपल्यानंतर ते विरारी वैतरण्याला वैतरणा रोडवर सर्व पालक अशा प्रकारचे जे विद्यार्थी होते त्यांनी मिळून एक संस्था काढली आपल्या इकडे ग्रामीण उत्पन्न पुनर्वसन केंद्र काम करते डॉक्टर मुंगीकर यांचं एक फाउंडेशन मतिमंद मुलांकरता आणि त्यांचं वर्कशॉप चालवण्याकरता काम करते त्याच्यामध्ये आणखीन एक भर गेल्या काही वर्षापासून लहान प्रमाणामध्ये होतो ते मोठ्या प्रमाणात करण्याच्या दृष्टीने या फाउंडेशनच्या भक्ती वतीने करते। राज्यपाल महोदय जी हमारे यहाँ पे राज्यपाल महोदय जी हमारे यहाँ जो 17 साल मराठी मला माहिती आहे मराठी येते म्हणून मी मराठी चालू केलं कारण का आपलं अभिभाषण ज्यावेळी बजेट सेशन होते त्यावेळी तुम्ही आम्हाला वाटलं पहिली 2 वाक्य आणि मी आपल्या बरोबर 5व्या प्रोग्रामला आहे प्रत्येक लहान सहान कार्यक्रमाला म्हणजे मुख्यमंत्री असताना देखील हे वसईमध्ये 2 कार्यक्रम करून घेतले म्हणजे मुख्यमंत्री असताना उत्तरांचल मंडळाचा कार्यक्रम अगदी लहान कार्यक्रम म्हणजे आज राज्यपाल आहेत म्हणून जेवढे घेतात त्याच्यापेक्षा जास्त मुख्यमंत्री असताना विरोध होताना आपला अजून नियम आहे 17 वर्षाचा त्या 17 वर्षानंतर म्हणजे अनाथ मुली असतील किंवा अशा प्रकारचे विद्यार्थी तर 17 वर्षानंतर नाही तर त्यांचं शिक्षण अनाथ मुलींचं मी खास करून बोलेल यांचं तर आयुष्यभर यांना शिकवलं पाहिजे यांची काळजी घेतली पाहिजे परंतु अनाथ मुलींचं पण 17 वर्ष वगैरे ही जी बंधनं ठेवलं त्यांचं संपूर्ण शिक्षण होत नाही ते स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकत नाही आणि 17 वर्षी अनाथ असलेल्या मुलीला रस्त्यावर कुठे सोडायचं ह्याच्याकरता पण आपण सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे म्हणजे शासनाने तो विचार केला पाहिजे। मी एकच सांगेल का केंद्र शासन राज्य शासन आपापल्या परीने आपापली जबाबदारी पार पाडतात परंतु सगळंच सरकार करेल असं मला काय वाटत नाही कारण का
एकंदरीत पैशाचं काम पैशाने होते आणि या ज्या संस्था आहेत या संस्था जास्त प्रामाणिकपणे आम्ही शासनामध्ये काम करत असताना आमचा जो काय म्हणजे सर्व्हिस वगैरे करत असतील तो इष्टांक गाठणं काय जे टार्गेट दिलेलं आहे ते पूर्ण करणं ह्याच्या पलीकडे आपुलकी किती असते हा प्रश्न असतो. आपुलकी या संस्थातून येते म्हणजे पगाराकरता काम करणारा माणूस आणखीन स्वेच्छेने मनापासून करणारा काम करणारा माणूस ह्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असतो. कारण का तो त्याच्या रजा बघतो त्याचा ड्युटी अवर्स बघतो यांना ड्युटी अवर्स नसते यांना रजा नसते त्यांचं रिटायरमेंट नसते आणि अशा परिस्थितीत काम करत असताना या मुलींचा देखील 17 वर्षाच्या पुढे जातात त्यांचं शिक्षण ऍटलीस्ट पुढे झालं पाहिजे किंवा त्या पायावर उभ्या राहतील या दृष्टीने कोणत्या तरी वेगळ्या संस्था काढून त्यांचा पण भविष्यामध्ये विचार केला पाहिजे का एक सर्टन एज आपण त्या मुलांची काळजी घेतली म्हणजे आपलं जबाबदारी संपली अशा पद्धतीने शासनाने पण कुठेतरी या सगळ्याच भूमिकांचा पुनर्विचार केला पाहिजे. आणि निश्चितपणे ही संस्था मी एकच खात्रीपूर्वक सांगतो का आपल्या संस्था चांगल्या प्रकारे काम करेल. एक डॉक्टर हेगडे यांनी स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं मी तुम्हाला एकच सांगतो तुमची संस्था मध्ये बंद पडणार नाही मी आहे का. सॉरी महामहिमजी मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो वसई विरार कॉर्पोरेशन आहे ह्याचं एखाद दिवशी मी तुमच्याकडे मुद्दामून खास काम घेऊन येईल म्हणजे जे जे महिला बाल कल्याण साधारणतः 2-5 लाख रुपये 50 लाख रुपये एवढं महिला बाल कल्याणचं बजेट देऊन त्यांची कामं उरकली जातात महिला बाल कल्याण स्थापायला पाहिजे म्हणून स्थापली जाते अशा वेळी 25 कोटी रुपये आपण वसई विरार महानगरपालिकेच्या वतीने मग त्या विधवा व बायांच्या मुलांचं असेल शिक्षण किंवा अशा प्रकारचे दिव्यांग जे काही आहेत त्यांना दर महिन्याला म्हणजे पालकांना पैसे देणारी का दिव्यांग मुलाची काळजी घेण्याकरता पालकांना पैसे देणारी अशी आपली पहिली महानगरपालिका असेल. विधवांच्या मुलींच्या लग्नाकरता असेल त्यांच्या शिक्षणाकरता असेल त्यांच्या आजाराकरता असेल ना अनेक योजना आणि मी अभिमानाने सांगतो का आपल्या वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये अशा प्रकारचे सगळे आणि त्याचा फायदा आजूबाजूची पण लोक घेतात अशाच प्रकारचं इतर ठिकाणी कंपल्शन झालं पाहिजे कुठेतरी आपला हातभार म्हणजे माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्याचा गाजावाजा पण कधी केला नाही पण मी निश्चितपणे आपल्याकडे पुस्तिका पाठवेल ती घेऊन येईल आणि दाखवी का हे सगळ्याच ठिकाणी जर झालं तर चांगल्या प्रकारे म्हणजे कंपल्सरी हातभार लावणं स्वेच्छेने देणारी लोक देतात करतायत पण त्याचबरोबर कुठेतरी शासनाची किंवा लहान लहान स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पण ही जबाबदारी असावी या दृष्टीने करावं. मिथुन गुळगुळे त्यांचे मिस्टर विनायक गुळगुळे त्यांचा पुत्र पुष्कर त्याला पण मानायला पाहिजे एकदम ऍक्टिव्ह चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊन पण तुमचं जे डिव्होशन आहे त्याच निश्चितपणे सगळेजण दाद देतील तुम्हाला 100% सहकार्य होईल तुमच्या या कार्याला शुभेच्छा धन्यवाद जय जय. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.